चलो कहाँ तक करवाया था मैंने? कर दे यंग मॉडुलस हो गया था, आज बल्क मॉडुलस करना है। देखो ठीक है, यंग मॉडुलस हो गया था, अब डालिए बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है? जैसे कल था उसको रिप्रेजेंट करता है केस। अपन पढ़ रहे थे, कल पढ़ा था ना यंग मॉडुलस, तो मैं आपको वो लॉन्ग यूनिट स्ट्रेस होगा, लॉन्ग यूनिट स्ट्रेस। आप बल्क मॉडुलस है तो ये होगा वॉल्यूम स्ट्रेस होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस किससे डिनोट करते हैं? एफ और ए से। और वॉल्यूम स्ट्रेन किससे डिनोट करते हो? बहुत चेंज इन वॉल्यूम कितना आ जाएगा? के वी अपॉन ए डेल्टा वी। ये आपका क्या निकला? बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, के वी चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम लीजिए, इफ यदि आपका ओरिजिनल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम बराबर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, और ऐसा होगा तो केवल आप किससे होगा आपका एल। ये होता है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तीसरा लिखो थर्ड वन में आपका शेयरिंग स्ट्रेस या फिर शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डालिए। इसका लिख देना इन द लिमिट ऑफ द इलास्टिसिटी द रेशियो बिटवीन द शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन इज नोन एज द शेयरिंग स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डेफिनेशन लिख दीजिए, इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो बिटवीन, ऐसे ही बल्क मॉडुलस की भी नहीं बोली, इसमें भी लिख देना इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन इज नोन एज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो बिटवीन शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन इज नोन एज द बल्क शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसमें लिख देना शेयरिंग मॉडुलस इसको डिनोट करते हैं हम मीटर। ये होता है आपका शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। इसका डेरिवेशन नहीं है कुछ भी, ये इतना ही है। अब डालिए पॉइज़न अनुपात, पॉइज़न रेशो, POISON, पॉइज़न रेशो। बच्चे कैसे हैं?
जैसे ये कोई वायर है, इतना मोटा वायर है, ठीक है। हम इस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाया है, फोर्स लगाते हैं वायर के ऊपर। तो वायर क्या होता है, जितना जितना आप फोर्स लगाते जाओगे वायर क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा, और उसका वायर की लेंथ तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन जो इसकी मोटाई है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब आप इसको दो डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हो, या तो यू लगा लीजिए या यू लगा लीजिए। जब आप इस वायर के परपेंडिकुलर लगाते हो या फिर ये वायर तो इसके पैरेलल लगाते हो, तो लेंथ तो बढ़ती है और थिकनेस इसकी कम होती है। और जब इसके परपेंडिकुलर लगाते हो थिकनेस बढ़ती है और लेंथ कम होती है। तो इनके रेशो को जब पैरेलल लगाने में और परपेंडिकुलर लगाने में लेंथ और ब्रेथ के रेशो में चेंज होता है, उसको बोला जाता है इसका पॉइज़न रेशो। एक बार तो अल्फा से डिनोट करेंगे, एक बार बीटा से डिनोट करेंगे। इसको डिनोट किया जाता है, वैसे पॉइज़न रेशो को डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। होता क्या है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है, दोनों फर्क क्या होता है। ट्रांसवर्स होता है वायर के परपेंडिकुलर लगाना, जैसे ये वायर है इसके परपेंडिकुलर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो इस अगर ये परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो लेंथ तो कम हो जाएगी और ब्रेथ बढ़ जाएगी। तो अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो और जो वायर में चेंज हो रहा है उसे बोलेंगे ट्रांसवर्स स्ट्रेन। और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब होता है आप वायर के अराउंड फोर्स लगा रहे हो, वायर की लेंथ ऐसे है तो आप लेंथ के अराउंड फोर्स लगा रहे हो, तो लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन ब्रेथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेस यूज नहीं करा है मैंने, स्ट्रेन यूज किया है क्योंकि फोर्स लगाने पर लेंथ में चेंज हो रहा है। अगर लेंथ में चेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं लेंथ में ओरिजिनल लेंथ से और चेंज इन लेंथ जो होती है वो स्ट्रेन आता है, इसलिए हम स्ट्रेन यूज करते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर लगाओगे तब भी लेंथ में चेंज होगा, लेंथ कम होगी तो भी उसे क्या बोलेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स जब यूज करेंगे जब वायर के परपेंडिकुलर लगाया जाएगा, और जब वायर के पैरेलल लगाया जाएगा तो यूज किया जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। अब मुझे इसके अंदर रेशियो निकालना है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन को मैं बीटा से डिनोट करूंगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को मैं अल्फा से डिनोट करूंगी। अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगाना है इसका मतलब आपका लॉन्गिट्यूडनल कैसे लगेगा, इसके पैरेलल, पैरेलल में लगेगा तो अल्फा की वैल्यू आएगी जितनी चेंज इन लेंथ अपॉन स्क्वायर की ओरिजिनल लेंथ लिखते हैं। पर अभी रुक जाना, इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगी मैं। वैसे सबसे पहले अल्फा लिख लेते हैं, अल्फा को बोला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मानी मैंने स्मॉल है और कैपिटल एल मानी इसकी मैंने ओरिजिनल लेंथ। सेम ट्रांसवर्स स्ट्रेन करो, अब स्ट्रेन है तो इसमें भी चेंज इन उसका मोटाई चेंज होगी इस बार थिकनेस। ट्रांसवर्स स्ट्रेन माना हमने ट्रांसवर्स लगाई इसके परपेंडिकुलर लगाई, परपेंडिकुलर में आना है कि पहले जो थी वो कैपिटल डी थी, कैपिटल डी इसकी मतलब जो डायमीटर थी इसकी कैपिटल डी थी। जैसे ही आपने वो लगाया फोर्स इसकी डायमीटर बढ़ गई, तो चेंज जो आया वो माना स्मॉल नोट पर कैपिटल डी, मतलब स्मॉल डी को चेंज है और कितनी है कैपिटल डी, दोनों की वैल्यूज आप इसमें पुट कर दोगे तो सिग्मा क्या निकलने वाला है आपका। बीटा की वैल्यू कितनी है, ये तो अल्फा की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू ऊपर आएगी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, अल्फा के नीचे आएगी स्मॉल एल अपॉन कैपिटल डी, और ये क्या कहलाता है, पॉइज़न रेशियो। इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए पॉइज़न रेशियो की, यह
when we apply external force along the direction of length, the length of wire will be increases and thickness decreases. While the external force applied perpendicular direction the thickness increases and length will be decreases. पैराग्राफ चेंज करके लिखना, द रेशो बिटवीन ट्रांसवर्स स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशो. The ratio between transverse strain and longitudinal strain is known as Poisson ratio. अब ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका. अब देखो, यंग मॉडुलस है इसका मतलब आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगी उसकी लेंथ में चेंज करना है. बल्क मॉडुलस है तो इसका मतलब उसकी वॉल्यूम में चेंज करना है. और पॉइजन रेशो का मतलब उसकी लॉन्गिट्यूडनल भी फोर्स लगाना है और उसके परपेंडिकुलर भी फोर्स लगाना है. अब देखो, मैं लेती हूँ एक क्यूब, मैंने एक एक्सिस मानी एक्स वाई जेड और मैंने यहाँ पर एक इमेजिन किया क्यूब. बनाइए
नाम दे देना इनका, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। ये क्यूब है जिसमें मैंने ये रख दिया है। अब क्या करना है आपको, इसकी यंग मॉडुलस में निकालना है। तो यंग मॉडुलस ना निकालना है तो मतलब इसकी लेंथ में चेंज करना है। मैं क्या करती हूँ, इस क्यूब के सब फेसेस पर फोर्स लगाती हूँ। मतलब छः हैं ये कमरे की, छः दीवारें हैं, एक इस पर फोर्स लगाएंगे उधर खींचेंगे, एक इस पर फोर्स लगाएंगे इधर खींचेंगे, एक इस पीछे वाला लगाएगा उधर खींचेगा, पीछे वाला उधर, सेम ऊपर सेम नीचे। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी, सब जगह फोर्स लगाने से बढ़ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस। और पॉइजन रेशो कैसे आएगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल भी लगेगा इसके और ट्रांसवर्स भी लगेगा तो क्या निकल जाएगा इसका, पॉइजन रेशो। इसलिए क्यूब की सारी फेसेस पर क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया जिससे वॉल्यूम भी बढ़ जाए, लेंथ भी बढ़ जाए और पॉइजन रेशो भी आ जाए। अब इस पर फोर्स लगाते हैं, एक दो तीन चार, बाकी दो देखेंगे नहीं आगे पीछे के। इसलिए आप फोर्स लगाई और सबकी वॉल्यूम बढ़ गया इस क्यूब का। पहले जो मैंने क्यूब लिया था वो यूनिट था, यूनिट लेंथ थी, मतलब सारी जो लेंथें थी वो 1 मीटर थी। स्टार्टिंग में मैंने क्यूब सपोज किया, क्यूब जो है वो यूनिट है, यूनिट का मतलब इस क्यूब की जो लेंथ है वो भी 1 मीटर है, ब्रेथ है वो भी 1 मीटर है, हाइट है वो भी 1 मीटर है। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1 × 1 × 1 एल इंटू वी इंटू एच, क्या निकलेगा इसका, 1 ही निकलेगा। तो इसका मतलब जो मैंने पहले लिया था बिना फोर्स लगाए उसमें सारी जो इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है वो सब 1:1 थी। मतलब ये क्यूब कैसा है, यूनिट का है। लेकिन लेट अस सपोज ए बी सी डी, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ए बी सी डी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, एक लाइन लिखो, इज ए यूनिट लेंथ क्यूब। द परपेंडिकुलर फोर्सेस आर एग्जिस्ट ऑन दिस क्यूब, द परपेंडिकुलर फोर्सेस आर एग्जिस्ट ऑन दिस क्यूब। देयरफोर द प्रेशर बिकम, प्रेशर और स्ट्रेस कुछ भी लिख लीजिए क्योंकि दोनों फोर्स अपॉन एरिया होते हैं। द प्रेशर ऑफ फोर्स और स्ट्रेस बिकम, अब देखो स्ट्रेस लिखो प्रेशर लिखो, दोनों मैंने बताया था जो स्ट्रेस है वो पर यूनिट एरिया पे लगता है। अगर पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है आपका, स्ट्रेस। और पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, प्रेशर। इसलिए या तो स्ट्रेस बोलो या प्रेशर, बात एक ही है, ठीक है। अब मैं निकाल रही हूँ इसका पर यूनिट एरिया पे लगने वाला प्रेशर क्या होता है, एरिया। अब हमें पता है एरिया क्या होगा इसका, क्यूब का 1 × 1 मतलब 1 है यूनिट लेंथ, तो f अपॉन पर यूनिट एरिया में लग रहा है तो 1 लेंगे, तो कितना लिख रही है f, इसका मतलब p बराबर क्या लिख रही है आपका, पर यूनिट एरिया में लग रहा है प्रेशर f। इक्वेशन नंबर निकालिए फर्स्ट। अब ये तो मैंने निकाला है कि जब हम इस पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगाते हैं तो इसका प्रेशर कितना होता है, इतना होता है। अब मैं इसी क्यूब का जब बिना फोर्स लगाए वॉल्यूम कितना होगा वो लिखते हैं, लिखो इसमें। जब फोर्स नहीं लगा रहे हैं तब उसका वॉल्यूम क्या है वो लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिफोर एग्जिस्ट फोर्स, मतलब फोर्स लगाने से पहले इसका वॉल्यूम कितना होगा, बिफोर एग्जिस्टिंग फोर्स वॉल्यूम क्या होता है, एल बी टू एच, एल बी वन है, बिफोर फोर्स लगाने से पहले तो सब बन रहा ए बी वन था, वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया फोर्स लगाने से पहले। अब देखिए मैं एक एक करके फोर्स लगाती हूँ,
सबसे पहले इस क्यूब में सब जगह फोर्स लग रहा है, सबसे पहले मैं एक पर लगा रही हूँ, सबसे पहले मैंने ये वाला फोर्स लगाया। अगर मैंने ऊपर फोर्स लगाया, ऊपर फोर्स लगाने से क्यूब क्या हो जाएगा, पतला होगा, ये तो बढ़ जाएगा और ये कम हो जाएगा। जब ये कम होता है तो हम क्या करते हैं, फिर यू फोर्स लगा देते हैं, ऐसा फोर्स लगाते हैं कि पूरा क्यूब बैलेंस में रहे। सबसे पहले मैंने फोर्स ऊपर लगाया तो मतलब लेंथ तो बढ़ गई क्योंकि ब्रेथ कम हो गई, फिर नीचे लगाया फिर और लेंथ बढ़ गई, क्यूब पतला हो गया। फिर हमने इधर लगाया तो लेंथ थोड़ी सी जो बड़ी थी उसमें कमी आने लगी ये फोर्स लगने से, फिर इधर फोर्स लगाया फिर लेंथ में कमी आने लगी, और जब तक फोर्स लगाते रहे जब तक कि पूरा क्यूब आपका बैलेंस में नहीं आ जाता। तो मतलब जब आप क्यूब के किसी एक सरफेस का फोर्स लगाते हो तो बाकी सरफेस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, बाकी सरफेस कंप्रेस हो जाती है, और जिसके अलॉन्ग फोर्स लगाते हैं वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब उसमें तो टेंशन स्ट्रेस हो जाता है डेवलप और बाकी में कंप्रेशन आ जाता है। लिखियो, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्यूब the tensile strain is obtained in above direction, मतलब अपनी direction में तो tensile होता है, अपनी direction मतलब जिस direction में लगा रही हूँ उस direction में तो tensile होगा, और इस direction के opposite कौन सी होगी, perpendicular। मैंने इस force पर इस पर लगाया है तो इसकी direction में तो tensile होगा, और इसकी perpendicular direction कौन सी होगी, ये वाली, तो उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, कंप्रेशन। क्या लिखवाया, इन अबव डायरेक्शन बाय कंप्रेस स्ट्रेन इज ऑब्टेन्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बाकी ये दोनों इनमें कंप्रेशन स्ट्रेन ऑब्टेन होता है। लाइन चेंज करके लिखिए, Let us consider alpha beta tensile strain in unit length cube and beta transverse strain in perpendicular direction of cube। समझ में आ गया, अल्फा तो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो अपनी डायरेक्शन में होगा, बीटा जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि बीटा जो है वो ट्रांसवर्स स्ट्रेन होता है और ट्रांसवर्स स्ट्रेन उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करता है। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल क्यों आ रही है, रीजॉइन करो आप लोग। आवाज गई, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है, रीजॉइन करो।